नमस्कार, मैं हूं सौरभ जौहरी। चलिए टोटल हरियाणा की करते हैं शुरुआत। हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव की गर्मी बढ़ गई है, पर करनाल में लोकसभा के साथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। करनाल के 2,40,000 वोटर भी अपना मन बना रहे, सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ नाराजगी भी दिखा रहे हैं। देखिए करनाल उपचुनाव की तैयारी और मतदाता का मूड। भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ी गई थी, लेकिन महाभारत की लड़ाई के एक अहम किरदार कर्ण भी थे। कर्ण के नाम पर एक्चुअली एक करनाल बसा था और ये करनाल शहर है जहां हम खड़े हैं, उनको दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। यहां पर हर रोज सवा मन सोना उन दिनों में दान करते थे, इसीलिए उनका नाम दानवीर कर्ण पड़ा। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बसी सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी, कल्पना चावला की नगरी और महाभारत के पात्र दानवीर कर्ण की नगरी करनाल पर सभी की नजरें लगी हैं। यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। बीजेपी ने इस शहर को सीएम के बदले सीएम दिया, इसीलिए यहां लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। लीजिए पहले करनाल के एक जागरूक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की राय। हमारे बच्चे इस एरिया के, मैं तो एक सुझाव दिया था, खट्टर साहब को भेजा था मैसेज कि आप आईटी वाले जो बेंगलोर रोड इधर कर रहे हैं, आप ये जो बेल्ट है ना जी, पानीपत से लेके अम्बाला तक, इस बेल्ट को आप बनाएं आईटी बेल्ट। हमारे यहाँ से हजारों बच्चे बाहर जा रहे हैं, फिर हमारे यहाँ से प्लान हो रहा है ना, जो इंटेलिजेंस है, जो लोग काम करने वाले हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो आने जाने में मतलब एक दिन उन्हें आने में लगता है, एक दिन जाने में, एक दिन घर। गौरतलब है कि करीब 2,40,000 वोटों वाली करण नगरी करनाल में इस बार विधानसभा उपचुनाव दिलचस्प होने जा रहा है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस से सरदार त्रिलोचन सिंह चुनाव लड़े थे, उन्हें तब 36,000 वोट मिले थे। वही त्रिलोचन सिंह अब मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी के सामने उपचुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को गुरु का सिख कहने वाले सरदार त्रिलोचन सिंह। मैंने पिछले चुनाव में कहा था मैं विधायक बनूं ना बनूं आपकी आवाज बनकर रहूंगा, तो मैं 5 साल 4.5 साल आवाज बनकर रहा, हर मुद्दा उठाया, वो भी मेरे को काम आ रहा है, जो पार्टी ने मेरे को सपोर्ट किया और हर मुद्दे पे, जो मैं कई बार गिरफ्तार भी हुआ, कई बार काले झंडे भी दिखाने पड़े हमारे को, तो लोगों का मुद्दा उठाने के लिए कोरोना काल के अंदर भी मैंने बड़ा काम किया। वो सारी बातें जो सामने आती है पार्टी भी देखती है, लोग भी देखते हैं। गौरतलब है कि टोटल टीवी की टीम ने शहर के कुछ दुकानदार और स्थानीय लोगों से बातचीत की, कुछ खुश थे तो कुछ एक नाराज भी। हमने तो इनके आगे रोए, इनके इसमें घेरे, रेणु बाला से मिले, ये एमसी गुलाटी है उसको बुलाया यहाँ पर, मतलब क्या वो इंजीनियर भी बुलाया, उसने 4 दिन वो करके अल्ले छुट्टी। देश को विकास हो, जैसे कि अभी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छे काम किया है, तो मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर लाइट लूट सब लगी है, वहाँ खंबे लगे हैं, नमस्ते चौक पे सारी चीज सड़के बनी है, ये पार्क बनवाई थी खट्टर जी ने, मुहूर्त करा था यहाँ, तो यही होता है को जो बनाए वो। दरअसल चूंकि ये चुनावी महीना है, लोग अब मुखर होकर अपनी बात कहने लगे हैं। लोगों की नाराजगी और प्रतिक्रिया को यहाँ के बीजेपी नेता भ्रम बता रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक महीना जनता आकलन करती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया बनाई है कि उनका आकलन करें, आकलन करते हुए, परंतु हमें विश्वास है, हम भी जो राजनीतिक दल हैं वो अपना लाइसेंस रिन्यू कराते हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि हम आपके पास अपना लाइसेंस रिन्यू कराएं, कि 10 साल अगर आपकी हमारे द्वारा की गई सेवा आपको ठीक लगी है तो हमारा लाइसेंस रिन्यू कीजिए। और हम बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हम जिस विश्वास से कह रहे हैं वो काम के दम पे कह रहे हैं। बिना खर्ची पर्ची की बात करें, 1,20,000 के आसपास नौकरियां, मैं भी 6 साल कमीशन का मेंबर रहा हूं, 1,20,000 नौकरियां हरियाणा गवर्नमेंट ने पिछले 9.5 साल में लगाई है, और आप बिल्कुल आपके पास सारे सर्वे हैं, बिना खर्ची पर्ची के, गांव का, गरीब का, मजदूर का, किसान का, बच्चा, बिना पैसे के लगाए। गौरतलब है कि करनाल की चुनावी तस्वीर इस बार दिलचस्प है, यहां बीजेपी के पूर्व सीएम और मौजूदा सीएम एक दूसरे के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। ये तो शुरुआत है, अगले 20 दिन इनके लिए और करनाल के लिए अहम है, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज करनाल।